हेलो दोस्तों, सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सब? बढ़िया, चलो मेरा भी एकदम झकास। अच्छा दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं कि चाइनीज माल इतना सस्ता क्यों होता है? नहीं जानते तो कोई नहीं, हम बताते ना आपको। बस वीडियो को ना एकदम अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है? दोस्तों आपने अक्सर देखा होगा कि चाइनीज फोन दूसरे फोन के मुकाबले बहुत सस्ते हैं, और फोन ही नहीं चाइना के दूसरे सभी प्रोडक्ट दूसरे ब्रांडेड प्रोडक्ट्स की तुलना में बहुत ही ज्यादा सस्ते मिल जाते हैं। हालांकि फोन की स्पेसिफिकेशन बिल्कुल एक जैसी होगी, लेकिन प्राइस में दिन रात का अंतर मिलेगा। भाई चीन ने व्यापार से जुड़े तमाम ऐसे नियम बना रखे हैं जो भारत या किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए लागू कर पाना आसान नहीं होगा और अच्छा भी नहीं होगा। तो अब बात आती है कि चाइनीज प्रोडक्ट इतने सस्ते क्यों होते हैं और बाकी के ब्रांडेड प्रोडक्ट्स इतने महंगे क्यों होते हैं। आज के इस वीडियो में आपको इससे जुड़े कुछ ऐसे फैक्ट्स बताए जाएंगे जिससे आपको भी पता चल जाएगा कि आखिरकार जो चाइनीज प्रोडक्ट्स हैं वो इतने सस्ते क्यों हैं और दूसरी कंपनी वाले प्रोडक्ट्स महंगे क्यों। लेकिन यार वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार कर दो ना, और बाजू वाली घंटी को भी दबा देना ताकि हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता रहे। नंबर वन, सस्ती लेबर। सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण है चाइना की लेबर का सस्ता होना। किसी भी चीज की कीमत उसके बनाने के खर्च के ऊपर निर्भर करती है, तो इसी तरह अगर किसी चीज को बनाने में ज्यादा पैसे लगेंगे तो उसे ज्यादा कीमत पे बेचा जाता है। चाइनीज फोन बनाने के लिए जो मजदूर काम करते हैं वो कम पैसों में काम करते हैं, इसलिए चाइनीज फोन बनाने में सस्ते होते हैं, उनके ऊपर खर्च कम आता है, और इसी कारण चाइना का लगभग हर एक प्रोडक्ट सस्ता ही होता है। नंबर टू, हाईटेक बट नॉट रेवोल्यूशनरी। चाइनीज फोन सस्ते होने का एक और कारण ये भी है कि जो चाइनीज फोन मार्केट में आता है उसमें आपको सभी चीजें लेटेस्ट नहीं मिलती, किसी न किसी चीज की कमी रखी जाती है ताकि फोन की कीमत और परफॉर्मेंस को मेंटेन रखा जा सके। लेकिन रुको रुको, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले भाई जरा ये बताइए कि आप किस शहर से हमारी वीडियो देख रहे हैं, कमेंट में बताइए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नंबर थ्री, ऑनलाइन सेल्स। दोस्तों लगभग सभी चाइनीज फोन बनाने वाली कंपनी ज्यादातर ऑनलाइन फोन बेचने पर ध्यान देती है, लेकिन सैमसंग या एप्पल जैसी कंपनी हर जगह अपने स्टोर्स ओपन करती है और फोन की सेल ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों पर ध्यान देती है। इतना ही नहीं, ये कंपनियां अपने डिस्ट्रीब्यूटर, स्टोर रेंट और साथ ही उनके लिए काम करने वालों को सैलरी भी देती है, इसलिए सैमसंग या एप्पल कंपनी के फोन ज्यादा महंगे होते हैं। नंबर फोर, सस्ती मार्केटिंग। वन प्लस या शाओमी जैसी कंपनियां अपनी मार्केटिंग पे बहुत कम खर्च करती हैं। आपको इनके ऑफिशियल स्टोर या सर्विस सेंटर बहुत कम देखने को मिलते हैं या मिलते ही नहीं, क्योंकि उनकी सारी सेल ऑनलाइन होती है। चाइनीज फोन्स कंपनी सोशल नेटवर्क का बहुत अच्छा इस्तेमाल करती हैं। ऑनलाइन सोशल साइट्स जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, वीबो और अन्य पॉपुलर साइट्स पे इनके फॉलोअर्स बहुत ज्यादा होते हैं, और उनके फॉलोअर्स को उनकी सारी लेटेस्ट अपडेट्स इनके सोशल अकाउंट से पता चल जाती है। नंबर फाइव, रिसर्च। बड़ी कंपनी अपने प्रोडक्ट को बहुत रिसर्च के बाद बनाती हैं और अपने प्रोडक्ट में इम्प्रूवमेंट करती रहती हैं। रिसर्च में कंपनियों का काफी पैसा खर्च होता है, तो कंपनियां रिसर्च के खर्च को भी प्रोडक्ट में शामिल करती हैं। जबकि चाइनीज कंपनीज का रिसर्च में खर्च न के बराबर होता है, वो ज्यादातर चीजें कॉपी करती हैं और उस वजह से वो अपने प्रोडक्ट्स को सस्ते दामों में बेच पाती हैं। नंबर सिक्स, लो क्वालिटी। हम सभी को पता है कि चाइना का प्रोडक्ट लो क्वालिटी का होता है। अगर हम चाइनीज प्रोडक्ट की तुलना बड़ी कंपनियों के प्रोडक्ट से करें तो दोनों में काफी बड़ा अंतर होता है, और लो क्वालिटी की वजह से चाइनीज प्रोडक्ट ज्यादा समय चल भी नहीं पाता। वो कहावत तो आपने सुनी होगी, महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। नंबर सेवन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। किसी भी कंपनी के फोन को महंगा बनाने के पीछे रिसर्च और डेवलपमेंट का बहुत बड़ा हाथ होता है। बड़ी कंपनीज जैसे एप्पल, गूगल और सैमसंग, ये सभी अपने फोन के रिसर्च और डेवलपमेंट पे बहुत ही ज्यादा पैसे खर्च करती हैं, और इस मामले में चाइनीज कंपनीज रिसर्च और डेवलपमेंट पे ज्यादा पैसे खर्च नहीं करते, इसीलिए हमें चाइनीज मोबाइल फोन में ज्यादा नए फीचर्स सबसे पहले नहीं मिलते। तो दोस्तों आपने देखा कि चाइनीज प्रोडक्ट इतना सस्ता क्यों होता है। खैर आप हमें इतना बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप अपना फीडबैक नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना, और अगर आप भी चाइना को उसके औकात दिखाना चाहते हैं तो बॉयकॉट चाइना जरूर लिखें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।